मौजूद टाइम निकाल कर आकर हमारे आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जिस तरह आपको पता है कि कुछ दिन पहले 12 जुलाई को लेफ्टिनेंट लई और उनके कज़न उमर जावेद को क्वेटा आते हुए ज़्यारत से फैमिली के साथ जो आ रहे थे उनको अगवा की गई। मैं समझता हूँ सबसे पहले बलूची रवायत, इस्लामी रवायत यही है कि अगर किसी के पास साथ बच्चे औरतें हो, फैमिली हो, तो अगर वो बहुत बड़ा दुश्मन भी है तो उसको इन मासूम लोगों के सामने इस तरह बेदर्दी से नहीं उठाया जाता है। एक तो इधर बलूची और इस्लामी रवायत का को पामाल किया गया बल्कि उनको बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान दिया गया। तो ये एक बहुत लम्हे फिक्रिया था जिस तरह एक दहशतगर्द तंजीम BLA के नाम से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वारदातें कर रही है जिससे लोगों में एक बहुत बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने सियासी मुफादात के खातिर जो है इंसानी जान जो ज़ाया होते हैं उनको उन पर भी सियासत करते हैं। तो आप आए रोज़ देखते हैं किसी लेवीज़ वाले को शरीफ आदमी को घर जाते हुए मारा गया, किसी लेवीज़ वाले को आम आदमी को फलान जगह पर मारा गया। तो ये सारे जो है अपने घर के किफायत करने वाले लोग हैं और इनके जाने से पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। तो इस हवाले से जो ये इस हद तक गए कि फैमिली के सामने, बच्चों के सामने एक सरकारी अफसर, फौजी अफसर को उठाया गया, तो उसके लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन का वो किया गया, एक बहुत बड़ी ऑपरेशन की गई जिसमें तकरीबन 9 लोग मारे गए, 9 लोग मारे गए जिन जो शम्स आतकज़ई, इंजीनियर ज़हीर, शहजाद अहमद, मुख्तियार बलोच और सलीम करीम बख्श के नाम से इनके नाम ये हैं। बाकी 4 की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। और ये ऑपरेशन इस तरह बड़े पैमाने पर किया गया कि इसमें जो है एक हसास इदारे का एहलकार भी मारा गया। तो अभी जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि लापता अफराद का जिस तरह मामला है, लापता अफराद का मामला है तो लापता अफराद की उसमें लिस्ट में हमने पहले भी कहा था जो लोग या रियासती इदारे या इस किस्म के जो हमारे पहुंच में होंगे उसमें हम ज़रूर उनके साथ ताउन करेंगे ताकि लोग जो हैं लापता अफराद आ जाए मंजर यहाँ पर। लेकिन यही लोग जो पहले भी वाक़यात कहीं कर चुके हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, PC ग्वादर में, नौशकी पंजगूर जैसे दहशतगर्दाना वाक़यात में जो ये लोग मारे जाते हैं जिनकी जब बाद में शिनाख्त हो जाती है, ये भी उन्हीं लिस्टों में शामिल होते हैं जिन बलोच वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। तो इसमें यही मसला होता है कि कुछ लोग दहशतगर्दी के लिए बाहर भी गए हैं, उनको भी हम लापता समझते हैं और वो मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, और कुछ लोग शायद हकीकत में भी लापता हैं जिसमें तक के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। दूसरी जानेब इसी तरह के वाकयात बढ़ गए हैं, सरयाम में धमाके हो रहे हैं, फायरिंग के भी वाकयात हो रहे हैं, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बजा है। लोगों को अमन और इंसाफ देना जो है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, उसमें हुकूमत को अपने तमाम वसाइल बरवीकार लाने होते हैं। लेकिन उसमें जो है माशरे के सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम मुकतबे फ़िक्र के लोगों को अपनी हुकूमत का साथ देना पड़ता है। जब भी अगर मैं आपको बता दूँ किसी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ अगर कल कोई ऑपरेशन, कोई कल कोई कार्रवाई की जाए, सबसे पहले जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़
और बड़े बड़े लीडर्स उठ बैठेंगे कि आप लोग इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। तो जब तक मैं समझता हूँ हम सब हुकूमत के साथ तआवुन नहीं करते, उस वक्त तक दहशतगर्दी को ख़त्म करने में काफ़ी मुश्किल होंगी। अच्छा मीर साहब, इस ऑपरेशन पर शुरू उस वक्त पैदा हुए जब इलाका मकीनों का भी मौके पर आप इस तरह तस्दीक करते हैं कि 12 जुलाई को सुबह यानी 12 से 15 गाड़ियां एफसी की ज्यारत पहुंची, उसके बाद एक घंटे तक वहां पे जब ये वाक्य हुआ कर्नल साहब वाला, एक घंटे तक एफसी लेडीज की यूनिफॉर्म में वहां पे उन्होंने, अगर आप टेररिस्ट कह के लिए नाका लगा के बैठे लोगों की गाड़ियों को चेक कर रहे थे, तो जिले इंतजामिया कहाँ गई उस टाइम तक? एक घंटे तक वहाँ ये लोग चेक नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं पता चला? और अगर वहाँ से एक कर्नल आई ऑफिसर उसको वहाँ पे अगर किसी गाड़ी में लेके, तो किस तरफ यानी इंतजामिया वहाँ पे क्या बैठी हुई, किस लिए बैठी हुई थी, क्यों इस तरह को नहीं हुआ, क्या इस बात का किस तरह तस्दीक करते हैं इंतजामिया की वहाँ पर नाकामी थी या एफ सी ऑलरेडी ये ऑपरेशन प्लान कर? नहीं देखें, वो एक ऐसा असास इदारा है जहाँ आपको पता है पहले भी ऐसे वाक़ात हो चुके हैं, तो वहाँ एफसी की गश्तें होती रहती हैं, एफसी जाता रहता है। बिल्कुल हम अपने आप को, कोई भी हमें से अपने आप को बरी उजमा करार नहीं दे सकता है जिसका वास्ता हुकूमत से है या सिक्योरिटी इदारों से है। इस किस्म के वाक़ात में कि जो बंदे ख़ासकर हमारे इस माशरे में जहाँ औरत और बच्चों को बहुत बड़ा मकाम दिया जाता है, अगर ऐसे वाक़ात में उनके सामने, फैमिली के सामने लोगों को उठाया जाता है और उसमें अगर किसी की गफलत सामने आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा ज़िया साहब, अब जो वाक़ात हो रहे हैं, जिस तरीके का तब्दील हो गया, ज़्यादा खतरनाक है, खुदकुश हमले भी हो रहे हैं, इसी तरह अफसरान को जो अगवा कर रहे हैं, मज़ीद भी थ्रेट जारी किए गए कि सरकारी अफसरान को, खासकर कानून नाफिज़ करने वाले अफसरान को अगवा किया जा सकता है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है दलालों के लिए? देखें, आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसों से पाकिस्तान ख़ास खसूसन बलूचिस्तान एक दहशतगर्दी की उससे गुज़र रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान ये चीज़ें शामिल थी। उसके बाद जब से मेरे ख़्याल में तालिबान की हुकूमत आई है, तो वहाँ से जब से इनको निकाला गया है, तो ये आके अपनी वो आखिरी सांसों में अपनी प्रेजेंस को जाहिर करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आवाम ने, लोगों ने पिछले 20 सालों से मुसलसल कुर्बानी देकर अपने मुल्क को एक अमन का गवारा बनाया था, जिसको फिर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह अमन इस दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे और दहशतगर्द कानून की शिकंजे में होंगे। देखिए इस टाइम हालात इस तरह है, अगर आप भी इस शहर में रहते हो, इस माशरे में रहते हो, मैं भी इधर रहता हूँ, अगर मैं आप लोग के सामने आके बड़ी बड़ी बातें करूँ कि बिल्कुल हालात ठीक है, आपको पता है कि इस टाइम हमारे जो अपने कुछ लोग, हमारे अपने यहाँ के लोग दुश्मन के साथ मिलकर इस मुल्क के हालात को ख़राब करना चाहते हैं, वो हम में से हैं, और इस तरह जिस तरह अभी सामने आ रहे हैं वो मौजूद हैं, वो शायद ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें कोई पेशगी ऐसी बात की इतला मिलती है, तो हम ज़रूर अपने लोगों को आगाह करते हैं कि ऐसे अनासिर यहाँ आ चुके हैं। देखें इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, ख़ासकर जिसका ताल्लुक कलम से हो, जिस तरह आप लोग हैं या हमारा तालीम याफ्ता तबका है, एजुकेटेड तालीम याफ्ता लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इनको चाहिए कि लोगों में शऊर दें कि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को अभी तक 70 साल हो गए बने हुए, जिसमें अभी तक जिसके हर कोने में पसमानदगी है बलूचिस्तान समेत, तो उस पसमानदगी को हम इकट्ठा सफ़र करके आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हम रोज़ बरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाज़िल तय कर रहे हैं, तो इस तरह जाते हुए न कि इसको, इस गुलशन को बिगाड़ने के लिए हम बंदूक उठा कर इसको ख़राब करें। इसके बारे से सोशल मीडिया में भी और जो मुजाहरे कर रहे थे, उनकी तरफ से क्या कि जो 5 लोग थे, खासकर जो इंजीनियर थे, इनको भी रिसेंटली उठाया गया था, तो इनके सारे को आप क्या कहते हैं, सच है क्या? क्योंकि अभी तो जून में ही उठाया था एयरपोर्ट रोड से,
देखें, एक तो उनका एक वो भी मैंने सुना है एज ए हुकूमत, वो भी हमारे शहर ही हैं, उनकी बातें भी हम ज़रूर सुनते हैं या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो दुश्मन की इस टाइम नज़र पर है और दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ज़रूर अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं कि ज़ियारत के वाक़े के लिए ये फोर्स भेज रहे हैं हम लोग, ये फोर्स भेज रहे हैं, इतना ऑपरेशन हो रहा है, इतने बंदे मारे गए, इतने उसी फोर्सेस की बातों को भी हम सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने जो ऑपरेशन गवर्नमेंट के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किया उसके मुताबिक ये 9 लोग मारे गए। अच्छा मेरे साहब, एक चीज़ हमेशा रियासत जैसे कि वाक़ और रियासत इलावा करती है कि ये दहशत गर्द है, जबकि मिसिंग पर्सन की कमी जन्म से लापता जाहिर किया जाता है। आपने भी लापता की बात की, अपना गुजार अदा किया और अब भी कर रहे हैं, आपको जो फहरिस्त दी गई मिसिंग पर्सन की जन्म से, क्या आपने महकमे के जरिए तहकीकत की वो वाकई मिसिंग है, उनमें कितने अफराद मिसिंग है या वो फेक है? बहुत ही देखिए, मुझे जब शुरू में मैं आया तो मैं यहाँ ही प्रेस क्लब ही आया, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ, फिर आप दोस्तों के साथ मैंने चाय भी पी, तो वहीं अगले दिन ही मैंने उनको बुलाया अपने ऑफिस, तो उस वक्त उन्होंने मुझे 392 बंदों का लिस्ट दिया जिसमें से तकरीबन 330 बंदे 5 से 5-6 महीने पहले मेरी मालूमात के मुताबिक आ चुके थे। फिर वो वक्तन फवक्तन 1-2 बंदे 50 तक के मज़ीद उन्होंने दिए थे, तो कुछ लोग आ गए, उनमें से काफ़ी लोग तक मेरे अंदाजे के मुताबिक 80 से 85% लोग उसमें आ गए। देखें, इन दहशतगर्दों का अपना एक तरीक़ाकार होता है, वो जो है ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं, अभी तक ये मुकम्मल तहकीकात नहीं हो सकी है कि वो कितने ग्रुप्स की शक्ल में थे, लेकिन ये जो बंदे थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में आ गए थे इसलिए ये मारे गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि कुछ लोग आए थे लवाइकिन के, उनको हमने एहतजाज किया था, तो ऑफिशियली मैं इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, मैंने ऑफिशियली वो लिस्ट असल में उन्होंने जमाई मेरे साथ किया है, मेरे साथ है, तो वो ऑफिशियली मैंने नहीं देखा है कि कितने, वो मैं देख कर ही कन्फर्म कर सकता हूँ कि उसमें इसी की बात आप कर रहा हूँ जो मुझे दी गई तकरीबन, उसमें मेरे ख्याल में 4 से 5 जो बंदे होंगे वो उस लिस्ट में होंगे। बहुत बड़े दूसरी तरफ जो गलतम तंजीम है उनकी तरफ से बयान आते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड का क्या मतलब है और क्या आपको लगता है कि हसास इदारों में या हसास पोस्ट पर बैठे हुए लोग जो है वो देखें, अभी तक हुकूमत के पास ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इतने बड़े सतह के दहशतगर्द तंजीम है और उनके साथ इतनी बड़ी सतह की इंटेलिजेंस है। हाँ, अलबत्ता आज इसी मैंने जिस तरह आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इसी वतन के इसी इलाके के लोग हैं, ज़रूर ताल्लुकात हैं, मकामी लोग ज़रूर उनके साथ ताउन करते होंगे, कुछ लोग जो उनको मालूम देते होंगे जिसकी वजह से वो कार्रवाइयाँ करते हैं, बाकायदा उनका कोई ऐसा मज़बूत इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। अच्छा सर, अभी देखें, हुकूमत की और हमारी कोशिश और ज़िम्मेदारी यही है कि हम पूरे साल अपने लोगों को अमन और अमान दें, वो हम पूरे साल लगे होते हैं, 1 घंटे के लिए भी हम ये गाफिल नहीं रहते। हाँ, अलबत्ता ये कुछ हमारे जो
खुशी के दिन होते हैं, हमारे आज़ादी के दिन, दुश्मन और उसके कारिंदे ज़रूर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उस दिन वो कुछ कर लें ताकि इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा उनके चल सके। तो उस दिन हम ज़रूर सिक्योरिटी अपनी बढ़ाएंगे और अपनी मुकम्मल ये हमारी कोशिश होगी कि ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। अच्छा सर, ज़्यादा वाक़या था पंजानी रोड पे धमाका हुआ, हालात दोबारा इस तरफ इस वक्त इन हालात को बेहतर करने के लिए कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो रहे? देखें, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेशन हो रहा है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं, जहाँ इंटेलिजेंस को कोई ख़बर मिल जाती है वहाँ पर कार्रवाई होती है। बाकायदा जो ऑपरेशन हमारे जो खर्न साहब को शहीद किया गया उसके बाद जो बाकायदा ऑपरेशन शुरू हुए, इसके अलावा कहीं जो है बाकायदा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा।